वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल मसाज। और फेशियल मसाज जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली है। अगर आपके पास कोई भी मसाजर है या नहीं है, आप अपने हाथ से भी इसको कर सकते हो। दो ही इंग्रेडिएंट की जरूरत है इसको करने के लिए। फेशियल मसाज करने के लिए हम लोग पार्लर जाते हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं बट ठीक तरह से कर ही नहीं पाते हैं। बट अगर हम थोड़ी सी पैसे इन्वेस्ट करेंगे इसमें, तो आप इजीली इसको घर बैठ के खुद कर सकते हो और अपने घर के किसी को भी इसको करके दे सकते हो। अपने हाथ से भी कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रोक्स आती है, नहीं आती है, तो आप कोई भी फेशियल मसाजर के यूज कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे फेशियल मसाजर शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से भी चेकआउट करके देख सकते हो क्या क्या मसाजेस अवेलेबल है। तो उससे पहले बता दूं कि मेरे चैनल पे चलता है गिवअवे, और गिवअवे के रूल्स जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक। और एक बात जो है, आपको इंस्टाग्राम को फॉलो करना है गिवअवे के क्वेश्चन जानने के लिए और डीएम करके मुझे आंसर देने के लिए। तो चलो फटाफट से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मसाज है, इसके लिए आपको दो ही चीजें चाहिए। एक है विटामिन ई कैप्सूल, जो कि है इवियन 400। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ फेस मॉइस्चराइजेशन के लिए। इवियन 400 आपके फेस के ब्राइटनेस को बढ़ाता है, हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, एक सीरम की तरह आपके फेस के ऊपर मॉइस्चराइजेशन के एक लेयर क्रिएट करता है। इवियन 400 से मैंने बहुत कुछ बनाए हैं DIY। मैंने आई क्रीम बनाया है, हेयर सीरम, फेशियल क्रीम, बहुत कुछ, बॉडी लोशंस, बहुत कुछ मैंने बनाए हैं। तो अभी यही इवियन 400 आपको चाहिए। उसके साथ आपको एक टोनर चाहिए। जो टोनर आपको पसंद है आप वही ले सकते हो, क्योंकि करंटली मैं जो डेली के लिए है वो मैं वाव का विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले ले लिया है विटामिन ई कैप्सूल इवियन 400, जो कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। और यहाँ से मैंने एक कैप्सूल ले लिया है जिसके अंदर है सीरम, और अभी एक सेफ्टी पिन के मदद से मैं इसको छेद करूँगी और पूरे के पूरे जो सीरम है मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से। मैं जो करती हूँ ना, हमेशा नाइट क्रीम के अंदर एक एक ड्रॉप या एक दो ड्रॉप मैं इसका डाल देती हूँ, बट अभी मैं पूरे के पूरे जो सीरम है, पूरे के पूरे कैप्सूल के अंदर जो सीरम है वो अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी। बट इसको कोई भी मसाज नहीं करूँगी या इसको मैं अपने फेस के ऊपर फैलाऊँगी नहीं। इसके बाद मैं वाव का टोनर यूज़ करूँगी। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। अच्छी तरह से मैं स्प्रे करूँगी, कोई भी कंजूसी नहीं करूँगी। अभी मैं ओजोमैक्स का फेशियल मसाजर यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ है बहुत सारे एपरेटस और जो शेप्स है ऊपर का, वो हर एक बॉडी पार्ट के लिए हर एक मसाजर है। आप इसके डिटेल्स देख सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मैं बार बार स्प्रे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो स्प्रे करने से जो टोनर निकल रहा है या जो सीरम है वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि ये मसाजर की मदद से आपके फेस के अंदर ना डीपली पेनिट्रेट हो रहा है। आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हो अगर आपको स्ट्रोक्स आती है, बट उल्टा स्ट्रोक्स मत कर देना, तो आपकी स्किन के ऊपर हार्मफुल हो सकता है। मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ मेरे फेस को सर्कुलर मोशन में, और आप देख पाओगे कि कितनी अच्छी तरह से वाइब्रेशन होती है। आप अगर बैकवर्ड करके देखोगे ना मेरे वीडियो को, तो उससे अभी मेरे फेस के ऊपर जो ग्लो है एकदम ग्लो स्किन की तरह दिख रहा है। तो आप देखते रहो, मैं ज़्यादा कट नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैंने कट किया है बट मैक्सिमम पार्ट मैंने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगी स्किन के ऊपर जो वाइब्रेशन हुआ है उससे कितना ज़्यादा मदद मिलता है स्किन को। तो आप देखते रहो कि मैं कैसे मसाज करती हूँ।
ही सुंदर से स्किन के ऊपर वाइब्रेशन हो रहा है, आप देख सकते हो। इससे आपके स्किन के वाइब्रेशन बढ़ते हैं, इसीलिए आपके ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ते हैं, रिंकल्स वगैरह कम होते हैं, फाइन लाइंस भी कम हो जाते हैं, पोर्स वगैरह मिनिमाइज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपके स्किन के जो इनर ग्लो है वो अच्छी तरह से निखर के आते हैं। चार मिनट मसाज कर लेने के बाद मैं अपने साफ सुथरे हाथों से जो बाकी का जो सीरम फेस के ऊपर लगा हुआ था ना, उसको मैं अच्छे से अपने फेस के ऊपर मसाज कर दूंगी जस्ट अपने हाथों की मदद से। मैंने इसको 3 से 4 घंटे रखा, फिर इसको मैंने वाटर से वॉश कर लिया। नॉर्मल वाटर से करना है, कोई भी वार्म वाटर की ज़रूरत नहीं है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर अच्छा लगा ये वाला ट्रिक तो जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप ये ट्राई करना चाहते हो कि नहीं, या आप ऑलरेडी इसको ट्राई कर चुके हो, और ट्राई करके इसका रिजल्ट भी मेरे साथ शेयर करना। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, गिव अवे का क्वेश्चन देख लेना इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और डीएम करके आंसर भी दे देना इस वीक के गिव अवे के विनर बनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।